पाकिस्तान के नौजवानों को पार्टनरशिप तोड़नी आती है। एक बहुत जबरदस्त इन स्विंगर आने वाला है। ये पहला गेंद होगा जो दो बैट्समैनों की विकेटें उड़ा देगा। मैं ज्यादा देर माजी के सियासतदानों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी देर करूंगा। पहले मैं आसिफ जरदारी साहेब, आसिफ जरदारी, तुमने भुट्टो का नाम इस्तेमाल कर करके कितना जुल्म किया है। कहां जुल्फिकार अली भुट्टो और कहां आसिफ जरदारी। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि एक नेशनलिस्ट था, वो एम्पीरियलिज्म के खिलाफ था। उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और आसिफ जरदारी तुमने कमाल कर दिया। रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, तुम्हारी वजह से तो 16,000 लोग बेचारे खुदकुशी कर बैठे हैं। लेकिन इससे बड़ा कमाल आपने क्या किया, गौर से सुने नौजवानों, सुना मेरी बात। इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन कानी। उसको वो एक खत देता है अमरीकनों को ये कहने के लिए, पानी देना, उनको खत देता है अमरीकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। इकबाल ने ख्वाब दिखाया था, अपना फर्ज निभाना है, हमें मिलकर उसे सजाना है। हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई अपना नाम नहीं। उनको अमरीकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। और मियां साहब पहले तो खुदा के वास्ते ये परसों तुमने ये क्या पटवारियों का जलसा किया है। अगर कोई जलसा करना था तो थोड़ी सी शेरी दिखानी थी। ये गीदड़ों का क्या जलसा किया है वहां।
लेकिन मियां साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप आसिफ जरदारी जैसे मगरमच्छों का कैसे मुकाबला करेंगे? आप मच्छरों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने एक प्रोग्राम देना चाहता हूं। मैं ये माजी के सियासतदानों की अब बात नहीं करना चाहता। आपको जो मैं प्रोग्राम देना चाहता हूं, बड़े गौर से सुने। एक नए पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपका मुल्क एक बहुत अमीर मुल्क है, यह गरीब मुल्क नहीं है। हम मदनियात के जखीरों पे बैठे हुए हैं। जिस पाकिस्तान में आज लोड शेडिंग है, जिधर बेचारा किसान 12 12 18 18 घंटे उसका ट्यूबवेल नहीं चल रहा, जिधर शहरों के अंदर नौजवान पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं, जिस पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस और बिजली नहीं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है, जो मुल्क तेजी से अंधेरे की तरफ जा रहा है,